हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। एंड मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो मेरी किसी बात को फाइनेंशियल एडवाइस की तरह मत लेना, ओके। तो अब ज़्यादा नहीं पकाऊंगा ये बात दोबारा बोल के, ठीक है। एक बार बोलना बनता है रिचुअल एक तरीके से। तो मार्केट के बारे में बात करते हैं। अरे ये मैं कहाँ क्या पुल कर दिया, क्या करा है मैंने सीन। हमें यहाँ आना है, इस टाइम लाइन पर आना है। तो मैं एक चीज़ दिखा रहा था आप लोगों को कि मार्केट है ना, हमेशा ऊपर ऊपर नहीं जाती। बहुत सारे लोग क्या है कि उन्हें लगा कि बुल रन का मतलब ये है कि मार्केट लगातार भागती जाएगी। जो नए लोग हैं उनके लिए है ये बात, पुराने बंदे समझ गए होंगे कि क्या सीन है। आप थ्रू आउट हिस्ट्री बिटकॉइन की देखेंगे, 2021 का जो अपना बुल रन था ना, उस पर चलते हैं। अभी मैं आपको देता, दो टॉप बने थे तब। मार्केट नीचे आती है, नीचे आया, देन इतना नीचे आया यहाँ से, फिर यहाँ से भागना शुरू करा, ठीक है। देन अपना ऑल टाइम हाई वापस जाके यहाँ पे क्लेम करा। तो करेक्शंस है ना, हेल्दी है मार्केट के लिए, एक अच्छे बुल रन के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि बुल रन का मतलब ये है कि प्राइस लगातार ऊपर ऊपर जाता रहेगा, ऐसे नहीं चलता है। तो लोग अपना पैसा वापस निकालते भी रहते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे। एंड प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये बात मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने दो बुल रन एक्सपीरियंस किया है। पहला बुल रन मैं सीखा चीज़ें थोड़ी बहुत, ठीक है। पूरा पैसा मैंने एक तरीके से ख़राब करा मेरा वहाँ पर। मैंने ऐसे ऐसे शिट कॉइन्स बाई करे, वही 100x 1000x करने के चक्करों में था मेरे पैसे, कि मुझे मतलब एक लाइफ चेंजिंग गेन मिल जाए। देन सेकंड बुल रन के अंदर मैंने उस टेक्निक को अप्लाई करा, बट मैं उतना पैसा नहीं बना पाया, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड कोई बड़ी कैपिटल नहीं थी मेरे पास लगाने के लिए मार्केट में, मैंने सिर्फ कुछ 1000 रुपये लगाए थे। और 2018 में तो मैंने माइनिंग करने के सोचा था कि भाई डायरेक्ट पैसा नहीं लगाता, क्योंकि बहुत रिस्की है। अगर माइनिंग रिग लगाऊंगा तो हार्डवेयर मेरे पास रहेगा, सेल कर दूंगा। मैंने सिर्फ 1.5 लाख रुपये का अपना रिग रिग बनाया, 1050 Ti के साथ, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड थे। अगर मैं उनसे इथेरियम माइन करता ना, तो वो मेरी माइनिंग का जो पैसा आता ना, वो मुझे आराम से 10-15 लाख मिल सकता था। बट मुझे पैसा कुछ भी नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने ऐसे ऐसे कॉइन माइन करे। मैंने फोकस करा जी कैश पे, बट प्राइवेसी कॉइन्स को मैं ट्रेंड वगैरह उतना फॉलो नहीं कर रहा था। देन प्राइवेसी कॉइन्स का क्रैकडाउन होने लगा, देन सारे प्राइवेसी कॉइन्स को कोलैप्स हो गए मोस्टली, ठीक है। प्राइस फॉल कर गया उनका काफ़ी ज़्यादा। देन वहाँ से बच के भाई मैं निकला। फिर देन मैंने ये जो फोर्क थे ना, एक्सपेंस, यूबे, इथेरियम के, इनको माइन करने लगा मैं। और एक मतलब वट्टू माइन में मैंने देखा कि हाँ, मेरे को डेली 10 कॉइन मिल रहे हैं, और एक कॉइन $10 का गया तो मेरे $100 हो जाएंगे। वो आज की डेट में 1 सेंट का भी नहीं रहा है, ओके। तो इस तरीके से मैंने पैसा गवाया 2021 के अंदर। जस्ट मैं जो मैंने कुछ ठीक ठाक कॉइन में पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे ना, उनसे मुझे मेरा जो मैंने इनिशियल कैपिटल लगाया था, वो मेरा वापस आ गया। एंड मैंने वहाँ पे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिस करी, क्योंकि मैंने ट्रेंड को फॉलो नहीं करा। मैंने बहुत अर्ली टाइम पे पॉलीगॉन मैटिक ले लिया, ठीक है। एंड पॉलीगॉन मैटिक में मैंने 6-7 सेंट्स के अराउंड लिया था, ठीक है। एंड वो वहाँ से $3 भागा था, और 60,000 रुपये का ख़रीदा था मैंने, लिटरली 50x। मेरे 60,000 रुपये 30 लाख रुपये हो जाते, बट मैं डर गया। मैंने देखा यार, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी सीन कर सकती है, एंड पॉलीगॉन मैटिक इंडियन प्रोजेक्ट है। पहले तो मेरे दिमाग में ये डाउट आया। दूसरी चीज़, मैंने ये नहीं देखा कि लेयर टू प्रोजेक्ट है वो एक स्पेसिफिक, एंड लेयर टूज का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेरेटिव है उस टाइम पर, स्टिल अभी भी है, कि इथेरियम का जो गैस फी का इशू है वो लेयर टू सॉल्व करेंगे, एंड पॉलीगॉन मैटिक को इतना अडॉप्ट कर लेगी जो कम्युनिटीज़ हैं, क्रिप्टो कम्युनिटी है, ब्लॉकचेन कम्युनिटी है, वो इतना अडॉप्ट कर लेगी, मैंने सोचा नहीं था। फिर भी मैंने पैसा बनाया, ठीक ठाक बनाया, ठीक ठाक नहीं बोलूँगा, मतलब बना सकता था, पोटेंशियल था बहुत ज़्यादा। वो जो 50x मिल सकता था मुझे पॉलीगॉन मैटिक में रख के, एंड सबसे बड़ी बात, वो मैंने सारा पैसा ये पॉलीगॉन मैटिक में लगाया था, सिर्फ वही 60,000 थे। तो मैंने उसको डाइवर्सिफाई किया, एंड मैंने मिस्टेक क्या की, मैंने ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया। 2000 किसी में, 1000 किसी में, 5000 किसी में, कोई 20x जा रहा है, तो कोई सिर्फ 2x गया है, कोई कुछ गया ही नहीं है। तो इस तरीके से करके बस जो था, जो 2018 में मैंने लूज़ करा था ना पैसा, वो मेरा पैसा वापस आ गया 3 टाइम्स, मोटा मोटा मान लो आप 1,80,000 रुपये के आसपास। ये सारा सीन था। देन वहाँ पर होता क्या है कि मैं अभी इस बुल रन के लिए फुल फ्लैश तैयार बैठा था, ठीक है। तैयार बैठा इन दी सेंस कि भाई मैंने देखा कि भाई नहीं, नया बिटकॉइन, नया इथेरियम, नया कुछ भी नहीं ढूंढना है अपने को। जो मार्केट को एंकर करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना है, ओके। एंड दूसरी तरफ जो नए कॉइन्स हैं, जिन्होंने कोई बुल रन एक्सपीरियंस नहीं किया है,
मार्केट के अंदर नए हैं बट एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छी नीच के अंदर, ऐसे डीप इन का है इस बार, ठीक है। लेयर टूज चल ही रहे हैं, डीफाई चल ही रहा है, डेक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन सब नरेटिव्स को मैंने ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करा एंड कुछ मीम कॉइन्स में भी पैसा डाला। ओके, मीम कॉइन्स में सिर्फ वो पैसा डाला जो मैं, मेरा बर्बाद हो जाए, जल जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड मैंने और बाकी कॉइन्स में उतना डाला है कि अगर लॉस में जाता हूँ मैं तो भाई हाँ, सरदर्द तो होगा, बहुत बुरा सरदर्द होगा, क्योंकि मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो वो सारी चीज़ है। लोग कहते हैं क्रिप्टो में सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करो जो आप लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हो, बट एक सच्चाई ये है कि क्रिप्टो को एक होप की तरह देखता है अपना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जो है। बहुत सारे हम भाई उसी कैटेगरी से आते होंगे कि हमने सोचा होगा 1 लाख डाल देते हैं, अगर ये 20-30-50x ऐसा कुछ हो जाए, 20-30 लाख रुपये हाथ में आ जाएगा, अपना कोई लाइफ चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी कोई काम वाम कर लेंगे, या बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके सर पे कर्जा है, घर वालों के सर पे कर्जा है, इसके थ्रू उतर जाए, तो ये सब माइंड सेट है। ओके, अभी मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गया हूँ, वापस आता हूँ मैं एक जो मुद्दे की बात करने वाला हूँ, ठीक है। आपका पैसा आपको मैनेज करना है, ठीक है, कोई आपके लिए नहीं करेगा उसे। आप एक स्मार्ट प्ले कर सकते हैं कि जैसे आपने जो इनिशियल अमाउंट है आपका, आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि जब एक फुल फ्लज बुल रन आएगा, मेरे हिसाब से फुल फ्लज बुल रन में बिटकॉइन का प्राइस, अभी तक तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई होता है ना, उससे 3.5x जाता है, ठीक है। इस हिसाब से तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के हिसाब से बिटकॉइन इस बार ऑल टाइम हाई अपना $2 लाख बनाएगा, ठीक है, मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है। बट मुझे भाई सच बताऊँ ना, कोई गारंटी नहीं है क्रिप्टो स्पेस में, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पिछली बार 2 टॉप बने, ठीक है, इस बार हाविंग से पहले ही एक तरीके से ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है, तो चीज़ें है ना काफ़ी अलग तरीके से जा रही है, ठीक है। पैसा काफ़ी ज़्यादा आने लगा है अभी बिटकॉइन के अंदर, बट ओवरऑल जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जब मार्केट 3 ट्रिलियन के अराउंड थी, आज ऑल टाइम हाई भी हिट कर दिया है, मार्केट उसे $3 ट्रिलियन के अराउंड आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई में उतना असर नहीं है। बट अभी चीज़ें चेंज होंगी, ETFs आ गए हैं, वो और पैसा पुश करेंगे, इंस्टीट्यूशनल मनी आएगा, देन अभी जैसे जैसे पिकअप लेगा बिटकॉइन, देन मेरे हिसाब से वो टॉप $2 लाख के अराउंड में चल रहा हूँ, बट मिनिमम साइड में मैं रख रहा हूँ कि भाई 100K तो टच करेगा, $1 लाख तो टच करेगा ही करेगा। बट जैसे ही बिटकॉइन $1 लाख क्रॉस करता है या $1,20,000-30,000 क्रॉस करता है, तो अल्टकॉइंस एक बार बिटकॉइन एक पॉइंट पे आके जब स्टेबल होता है ना, उसके बाद वो पैसा वहाँ से मूव होकर ना मेजर अल्टकॉइंस में आता है, देन वो पंप करना शुरू करेंगे, देन मैं वहाँ पर अपने जो मेरे फंड्स हैं ना उनमें से मैं स्ट्रेटेजिकली सेल करता जाऊँगा, लाइक 20% पहले सेल कर दिया, 20 फिर कर दिया, फिर मार्केट कंडीशन को देखे कि भाई मार्केट यहाँ से यही टॉप था तो यहाँ से गिरने लगी है, बिकॉज एग्जैक्ट टॉप कोई और एग्जैक्ट बॉटम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ओके, देन मैं वहाँ पे सेल करने की सोचूंगा, बिकॉज प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये सोचो कि मैं सिर्फ द ऑल टाइम हाई पे सेल करूँगा, जब मेरा फंड मेरे को दिखा रहा होगा मेरे ₹50 लाख बन गए, 50 गुना हो गए, मैं तभी सेल करूँगा, नहीं भाई, बहुत कम चांसेस हैं कि आप एग्जैक्ट टॉप पे सेल कर पाओगे। ओके, और आपने सारा सेल कर दिया और फिर उसके बाद प्राइस वहाँ से आपका जो कॉइन था मान लो आपको 100x हो गया, देन फिर आपको मलाल होगा कि यार मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो इस समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो प्लान करके करना चीज़ें, ठीक है। तो यही वीडियो थी यार, ठीक है, बस जो मेरे कुछ एक्सपीरियंस था वो बताना और शेयर करने की मैंने कोशिश करी है। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना यार। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।